गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के दो मामलों में 20 साल की सजा सुनाई गई है। 9 पेज के फैसले में जज ने कहा है कि दोषी ने अपनी शिष्याओं के साथ गहरा विश्वासघात किया है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह लोहान ने अपने फैसले में महिलाओं के प्रति हिंसक अपराध करने वालों को आईना दिखाया है। 9 पेज के फैसले में उन्होंने कहा है कि दोषी ने अपनी शिष्याओं के साथ गहरा विश्वासघात किया है, उनके विश्वास को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देते हुए जस्टिस लोहान ने कहा कि दुष्कर्म केवल शारीरिक शोषण भर नहीं है, पीड़ित के व्यक्तित्व का भी विनाश कर देता है। दोनों पीड़िताएं गुरमीत को अपना भगवान मानती थीं, उस पर विश्वास करती थीं, लेकिन गुरमीत ने उनका शारीरिक शोषण करने के साथ साथ विश्वास को भी मार डाला है। डेरामुखी का अपराध, धर्म, संस्कृति, समाज और आस्था से खिलवाड़। सीबीआई जज जगदीप सिंह ने अपने फैसले में कहा कि प्रमुख का यह अपराध धर्म, संस्कृति, समाज और पवित्र आस्था की खराब तस्वीर पेश करता है। डेरा प्रमुख ने अपने अपराध से प्राचीन देश भारत की विरासत को अपूरणीय क्षति पहुंचाने का काम किया है। घिनौने अपराध के लिए सजा भी कठोर। जगदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के श्याम सुंदर बनाम पूरण केस का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी अपराध की सजा उसकी प्रकृति को देखकर तय की जानी चाहिए। श्याम नारायण बनाम राज्य केस का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि ऐसे केस में मिलने वाली सजा समाज के लिए मिसाल कायम करे, ऐसी सजाएं दर्द निवारक की तरह। सीबीआई जज जगदीप सिंह ने अपने फैसले में कहा कि दोषी को सजा मिलने के दौरान समझ आना चाहिए कि उसके द्वारा न केवल पीड़िता के जीवन पर धब्बा लगाया गया बल्कि सामाजिक आवरण पर भी गहरी चोट की है। कड़ी सजा का मंतव्य यह है कि भविष्य में समाज को ऐसे घिनौने अपराधों का सामना फिर से न करना पड़े। ऐसी सजाएं दर्द निवारक का काम करती हैं। दोषी को सहानुभूति देना न्यायपालिका के लिए खतरनाक है। सीबीआई के वकीलों की इन दलीलों ने ठहराया गुरमीत को दोषी। दोनों पीड़िताएं डेरे में दोषी की कस्टडी में रह रही थी, इसलिए यह कस्टोडियल रेप है। दोषी ने खुद को भगवान का आदमी, माई सेंजर ऑफ गॉड बताया और परमेश्वर जैसा दिखाया। अपने अधिकारों और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मासूम लड़कियों से रेप किया। यह साधारण केस नहीं है, इसे दुर्लभ से दुर्लभ केसों की श्रेणी में रखा जाए जिसका प्रभाव समाज के एक बड़े तबके पर पड़ता है। दोषी प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उसे कम सजा मिली तो देश की जनता को बड़ा झटका लगेगा। दोषी ने अपने प्रभाव व पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपना अपराध छिपाने के लिए पीड़िताओं को डराया, धमकाया तथा तथ्यों को खराब करने की कोशिश की। बचाव पक्ष की ये दलीलें नहीं आईं काम। राम रहीम 50 साल का है, हाइपरटेंशन, शुगर, कमर दर्द और स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं हैं। वह समाज सेवा के कार्य करता है, उसने मेडिकल सर्टिफिकेट भी अदालत में जमा कराए हैं। राम रहीम की बूढ़ी माँ है जो बेहद बीमार है। राम रहीम स्कूल, कॉलेज व ट्रस्ट चला रहा है जो हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इसलिए कम सजा दें। राम रहीम ने समाज सेवा के इतने काम किए जितने आज तक हरियाणा सरकार भी नहीं कर पाई है। उसने लोगों को वेश्याओं से शादी करने के लिए भी तैयार किया, उन्हें नशा छुड़वाने के लिए प्रेरित किया। वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति रहा है, इसलिए 2013 के कानून में संशोधन से पहले के प्रावधानों के हिसाब से कम सजा दी जाए, क्योंकि यह केस 2002 का है।